भाई क्षेत्रवाद को बीजेपी वाले तो आजकल बेल रहे हैं घर में अपने, पूछ कोई रानी अगले इलेक्शन में चल जाएगा पता 2024 के उनको, तो कुछ ना कुछ तो बोलना ही है। आप ये बताओ, मैं उनसे ही पूछूंगा, चलो जो ऐसा बोल रहे हैं कि अनिरुद्ध सिंह क्षेत्रवाद को बढ़ावा दे रहा है, कोई एक स्टेटमेंट ही बता दे, एक स्टेटमेंट बता दे मेरे को, कहीं भी पब्लिक पब्लिक मंच में या कमरे में बैठ के भी एक हमारी स्टेटमेंट बता दे कि हमने किसी क्षेत्र के खिलाफ बात करी। आपको ये लगता है ना तो जी कि इसको राजनीति रंग दिया जा रहा है? दे रहे हैं कुछ एक लोग जो जिनको कोई पूछता है नहीं और एक मंच मिल गया है बोलने का, वो लोग ही दे रहे हैं, बाकी कोई समझदार लोग कोई नहीं दे रहा। ये भी आरोप लग रहे हैं कि आप शिमला की जो टैक्सी यूनियन है आप उनके धरने में गए जबकि सिरमौर के लोगों के साथ आप खड़े होते हुए नजर नहीं आए। देखिए ऐसा है, जो शिमला की बात है, जब मैं बॉम्बे से वापस आया हमने डायरेक्टली जो है उन्होंने बोला कि हमने यहाँ मीटिंग रखी है और हम आपका वेट कर रहे हैं, तो मैंने तो उनसे मिलने जाना ही था, जब वो वेट कर रहे हैं मैंने उनको टाइम दिया था कि मैं आ रहा हूँ। सिरमौर वाले कौन से मेरे पास आए हैं कि भाई साहब इसको सुझा दो मेरी, हालांकि माननीय हमारे मंत्री हैं हर्षवर्धन जी, उनसे मेरी लंबी चौड़ी बात हुई है इस बात को लेकर, विनय जी हैं उनसे लंबी चौड़ी बात हुई है कि ऐसा कोई विवाद नहीं है, हम लोग बैठ के सुलझा लेंगे और ये सुलझने वाला मामला है। लेकिन वही मैं बोल रहा हूँ कि तीन चार आदमी जो हैं वो, क्योंकि टैक्सी कौन चलाता है आप ये बताइए, एक गरीब आदमी जिसको जरूरत होती है वो चलाता है, कोई शौक से कोई नहीं चलाता। हम लोग भी टैक्सी चला के यहाँ पहुंचे, कोई ऐसी बात नहीं है, मजबूरी में लोग चलाते हैं, कोई उनको शौक नहीं है कि दिन रात जो है सड़कों में जो गाड़ी लेके चल रहे हैं वो लोग, उनको कोई शौक नहीं है। लेकिन उनका जो है नुकसान जो है, ये चंद एक जो लोग हैं तीन चार जो क्षेत्रवाद की बात करके या गुंडागर्दी की बात करके जो है हवा जो है माहौल जो है खराब करने की कोशिश में लगे हुए हैं, ये सब उन्हीं का है। हम भी चाहते हैं कि इमीडिएटली ये सुलझे हमारा, हमने एसपी से भी मैंने बात करी है, डीजीपी से भी मैंने बात करी है कि इमीडिएटली जो है हमारा सिर्फ एक मानना है कि जो आदमी दोषी था जिस तरफ का होगा, चाहे चाहे वो जिस जिले मर्जी, चाहे वो किसी भी जिले का हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, चाहे उसका व्यवसाय कोई भी हो, और जो कि उनको उनके ऊपर जो है जो इन्वॉल्व थे क्राइम में उनके ऊपर कार्रवाई हो और जो गाड़ियां है वो बाउंड हो, इतनी सी बात है। और जो पुलिस वाले दो है उनके ऊपर कार्रवाई हो, उनके ऊपर एफ आई आर दर्ज हो, इतनी सी तो बात है। ये तो एक राजनीतिक माहौल जो है, हवा जो है माहौल खराब करने के लिए कुछ एक लोग बात कर रहे हैं। आप क्या अपील करेंगे जो टैक्सी ऑपरेटर, टैक्सी यूनियनों का विवाद चल रहा है शिमला में, शिमला वर्सेस सिरमौर एक तरह से हो गया अब ये पूरा मसला, और बीजेपी भी इसमें आरोप लगा रही है कि क्षेत्रवाद को बढ़ावा दे रहे हैं आपके मंत्री, आप भी सिरमौर से आते हैं, क्या एक मानते हैं इसको विवाद को किस तरह से सुलझाया जाएगा, क्या सरकार कुछ कर रही है? देखो ये जो मामला है ये दो टैक्सी यूनियन के बीच की लड़ाई है, ये बिजनेस इंटरेस्ट की जो है वो लड़ाई है। इसमें शिमला वर्सेस सिरमौर का जो रंग देने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं वो गलत है, और इसमें कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोग भी और वरिष्ठ नेता भी इसमें हवा देने का प्रयास कर रहे हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो ऐसा ना करें। ये छोटा सा झगड़ा जो है आपस में दो टैक्सी यूनियन के बीच में हुआ है, और हमने तो इसको मामले को सुलझाने की कोशिश की, और हमने अपने जो सिरमौर के टैक्सी यूनियन के लोग हैं मैंने उनको भी कहा है कि आपस में बैठ करके इस मसले को जो है वो सुलझा लिया जाए। मगर ये कि कुछ ये जो प्रदर्शन किया गया है, पहले कुछ कांग्रेस सिरमौर के लोगों द्वारा किया, पहले शिमला के लोगों द्वारा किया है, शिमला नहीं मगर ये कसुमटी के ही कुछ लोग हैं या शिमला शहर के आसपास के लोग हैं ये लोग टैक्सी यूनियन, तो सब लोगों को, क्योंकि शिमला राजधानी है, शिमला में हिमाचल प्रदेश के सभी क्षेत्र के लोग यहाँ रहते हैं, किसी अपना अपना कारोबार करते हैं, कोई सरकारी कर्मचारी है कोई बिजनेस करते हैं, और सबको इंटरेस्ट है यहाँ पे, हमको हिमाचल शिमला में जो है हम सबको मिलजुल करके रहना है, हमको यहाँ का माहौल नहीं खराब करना है। और मैंने भी अनिरुद्ध जी से भी मैंने निवेदन किया है, और मैं टैक्सी यूनियन जो दोनों टैक्सी यूनियन है उनसे भी निवेदन करता हूँ कि आपस में मिल बैठ करके इस मसले को जो है वो सुलझा लिया जाए। ठीक है दोनों पक्षों में कुछ ऐसे तत्व हैं जो शरारती तत्व होते हैं, वो नहीं चाहते कि समझौता हो, क्योंकि ये टूरिज्म से जुड़ा हुआ है, होटल कारोबार है, टूरिस्ट गाइड्स हैं, टैक्सीज के है संबंधित है, तो क्योंकि आपस में मिलकर के सब बैठ करके इसका समाधान करें, अपने अपने कार्य क्षेत्र में जो अपना अपना एरिया है, टैक्सी यूनियन का अपना अपना एरिया है, वो अपने अपने एरिया में काम करें। अगर कोई एक दूसरे के क्षेत्र में इंटरफेयर करता है या गलत करता है, या कोई ऐसा व्यक्ति जो रजिस्टर्ड नहीं है
उसको सरकार जो है वो रोके और उसके खिलाफ कार्रवाई करे। मगर हम सबको चाहिए कि हम आपस में मिलकर के शिमला शहर की जो हमारा जो एक सेकुलर कल्चर है, जहाँ पे ना कोई क्षेत्रवाद पे, ना जाति के आधार पे, ना धर्म के आधार पे हम सब लोग राहत रहते हैं, तो हमको इसको इस माहौल को खराब नहीं करना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी ने भी मुझे भी कहा है और सरकार के डिप्टी कमिश्नर और एसपी को भी कहा है कि भी वो दोनों पक्षों को बैठा करके इसमें जो है शांतिपूर्ण जो है वो समझौता कराए। और जिला प्रशासन जो है वो इसमें कोशिश कर रहा है, और मैं निवेदन भी करूंगा सबसे कि कानून को अपने हाथ में ना लें, और जो हम पॉलिटिकल लोग हैं वो भावनाओं को भड़काने की कोशिश करते हैं कि उनकी बातों में ना आए, क्योंकि यहाँ पे स्थानीय भी लोग हैं, बाहर के लोग भी हैं, पहले से लेकर के रह रहे और आइंदा भी रहना है, तो मिलजुल करके आपस में आप इन चीजों को निपटाएं। मेरा नाम अजय ठाकुर है, मैं देवभूमि अध्यक्ष हूँ। जो ये लड़ाई है ये हमारी देवभूमि की नहीं है, और जो हमारे यहाँ शिमला की जितनी अराउंडिंग हमारी कहना अपनी यूनियन है उनकी लड़ाई है, जैसे कि व्यवसाय के लिए है। कुछ दिन पहले जो हमारे नरेंद्र जी इनसे कोई झगड़ा हुआ छोटी सी बात में, इन्होंने अभी एक राजनीति क्या नाम क्षेत्रवाद का मुद्दा बना दिया है। ये क्षेत्रवाद का मुद्दा नहीं है। हमारी मांग है जितने भी ये क्या नाम जो इसमें लड़के आरोपी है उन्हें अरेस्ट किया जाए। इतने दिन हो गए अभी तक ये अरेस्ट क्यों नहीं हुए है। प्लस जो इन्होंने हमारे जो मंत्री है इनके ऊपर जिन्होंने टिप्पणी की है उसकी हम गहरी और निंदा करते हैं। हमारे मंत्री जी विधायक जी है वो जैसा निर्देश देंगे अभी वो भी उन्होंने भी आना है। हम बात के लिए तैयार है, जैसे वो बोलेंगे वैसा करने के लिए तैयार है। आपको लगता नहीं कि सिरमौर भी हिमाचल का हिस्सा है, शिमला भी तो क्यों लड़ाई? सुनिए ये मुद्दा सिरमौर शिमला की नहीं है, लड़ाई हमारी है। खाली एक ही जो नकली भ्रम फैलाया जा रहा है सिरमौर शिमला ये वो, आज से ये 50 साल से ये लोग काम कर रहे हैं। हमें एक इंसिडेंट बताया जाए कि जो किसी के कभी ये एक छोटे से मुद्दे को बढ़ा चढ़ा के अब इन्होंने कब परसों अपना एजिटेशन अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। वो आप बसें भर के लाए सिरमौर से, हम तो यहाँ के लोकल चालक हैं, ये हमारा घर है, हम आपको मना नहीं कर रहे हैं काम के लिए भी हमारी कंडीशन रहेंगी। आप हर जगह खड़े होके एक टूरिस्ट को हरासमेंट दे रहे हैं, आप मेंटली टॉर्चर देते हैं। एक आदमी दिल्ली से आ रहा है या पंजाब से आ रहा है, आप 6 आदमी उसकी गाड़ी को घेर के खड़े हो जाएंगे तो वो कैसे आपसे बात करेगा? सबसे बड़ी बात है हर मोड़ पे जाम का कारण ये है। हर जगह आप नीचे चले जाओ तारा देवी से लेके विक्ट्री टनल तक हर मोड़ पे एक इतनी तो हमारी पुलिस नहीं खड़ी होती है जितने लोग इन्होंने धमकाने का काम कर रखा है। अभी पीछे 2017 में 5 अफगानी लड़कों को इन्होंने मारा, एम्बेसी तक बात गई, पीछे टूरिस्ट के उनसे लड़ाई हुई, उनकी बैकबोन तक तोड़ी इन्होंने। अब गुंडागर्दी पे तो ये लोग उतर आए हैं, हम तो फिर भी भाई बंदी की बात कर रहे हैं इनसे। काम से हमने आज तक ना इनको रोका है ना रोक रहे हैं। हाँ अगर ये नकली गुंडागर्दी करेंगे और डराने की कोशिश करेंगे, हम डरने वाले नहीं है, हम भाई बंदी की बात करते हैं। हल अब ऐसा होगा जैसा पहले, तो सबसे पहले तो जी जो आरोपी है सबसे पहले प्रशासन उनको अरेस्ट करे, उनकी गाड़ियां बॉन्ड करे, उसके बाद हम जैसी भी हमारे प्रशासन हमें कहेगा बातचीत करने के लिए। हाँ जी लड़ाई उन्होंने 60-70 लड़के आते हैं और रात को 9 बजे एक यूनियन पे हमला कर देते हैं। 9 बजे कहीं भी यूनियन में 2-4 लोग से ज्यादा नहीं होते हैं, और ये 70 लोग आते हैं और 2 आदमियों को मार के चले जाते हैं, ये इनकी दिलेरी नहीं है। और फिर उसके बाद अपना नाम कोई लारा बोलता है, कोई लादेन बोलता है, कोई जॉनसन बनता है। आप बताओ ये इनके नाम है, ये इनकी डेफिनेशन है? आप शिमला में काम कर रहे हो अपने नाम से काम करो, ना कि डराने के नियत से काम करो। क्या आपने नाम दिए हैं?